लाहौर में चोरी की बड़ी वारदात, थाना डिफेंस ए की हदूद में चोर घर का सफाया कर गए। 2,20,00,000 रुपए के जेवरात और कीमती घड़ियां लेकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब पुलिस में तबादलों का रैला, 23 पुलिस अफसरान इधर उधर। आसिफ सिद्दीक एसपी ट्रैफिक लाहौर तायना, आमिर खान एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी, मोहम्मद इमरान एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान तायना। नोटिफिकेशन जारी। मनशियात का कला कमा और बच्चों से मुतल्लिका जराइम पर काबू पाया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। पीएसएल मैचेस की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बुरुवेकार लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। सेफ सिटीज अथॉरिटी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। 550 खसूसी कैमरों से पीएसएल की निगरानी की जाएगी। महंगाई ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मिनी बजट के बाद महंगाई का आसेब अशियाए जरूरिया निकल गया। एक हफ्ते में घी, ऑयल, चिकन और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में 34 अशियाए जरूरिया महंगी होने का इंकशाफ। कई यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई की जद में। कुकिंग ऑयल, शैम्पू, साबुन समेत मुतादित अशिया जरूरिया के दाम बढ़ गए। हैंड वॉश 21, टिश्यू पेपर की कीमत में 43 रुपए का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। मुर्गी के पर कुतरे ना जा सके। चिकन 654 रुपए की बुलंद तरीन परवास पर। ब्रायलर गोश्त 3 रोज में 75 रुपए महंगा हो गया। महंगे अंडे 270 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब। हाई लेवल पे चला गया है तो बड़ा मुश्किल का सामना है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ये गरीब आदमी क्या करे, अब जाता है बाजार में, जाता है सब्जी लेने, जितनी महंगाई सुनता है वो चुप करके वापस जा जाता है। कोई इतनी महंगी है वो ले नहीं सकता। महंगाई ने गरीब की चीखें निकलवा दी। शहरियों का अशिया जरूरिया के दाम बढ़ने पर अवाम में गम गुस्सा। कहते हैं हुक्मरानों ने गरीब को जिंदा दफन करने की ठान ली है। अब तो चटनी का सामान भी नहीं खरीद सकते। खबरदार होशियार, पेट्रोल बहरान सर उठाने को है तैयार। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। महंगा तेल खरीदकर सस्ता बेचने से ऑयल इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ी। एलसीज ना खुलने से पेट्रोल के बहरान का खदशा है। खत का मतलब। हुकूमती राबता कमेटी और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। ताजिरों का वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसियों पर तहफुजात का इजहार। पीआईए का जेल भरो तहरीक का प्लान तैयार। 22 फरवरी को लाहौर में 6 एमएनए समेत 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक एजाज चौधरी का कहना है, गिरफ्तारियां ना हुई तो धरना दे देंगे। ने पुरमन रास्ता इख्तियार किया है और वो जेल भरो का रास्ता है कि हम अपने आप को खुद पेश कर देते हैं और खौफ के बुत को तोड़कर हम तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम अवाम भी इसके अंदर शामिल हों। जमान पार्क में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात। जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी। शेख रशीद की कप्तान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगु। कहा मार्च में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। आज जो मईशत को तबाह कर दिया है, आज जो मईशत का जनाजा निकल रहा है, आज जो गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ के गुर्बत से मर रहा है, उसका एक ही हल है के मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान चूहे की तरह से बिल में छुपे हुए हैं। मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम मुल्क की मईशत की तामीरें नौ कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ चल रहा है वो काफी हद तक फाइनल हो चुका है और अगले चंद दिनों के अंदर बड़े लेवल पर आप गिरफ्तारियां देखेंगे। जब सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाता है फिर डॉलर बढ़ना शुरू होता है, फिर महंगाई की लहर आना शुरू होती है,
और इमरान खान के दौर के अंदर ये जो कहता है कि जी मेरे मुझे तो करने ही कुछ नहीं दिया जाता था, तो तुम वहां पर करने क्या बैठे थे। जेल भरो तहरीक में पहली गिरफ्तारी इमरान खान दें, लीगी रहनुमा राना मशहूद का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ बोले, परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस ने। आला तरीन अदलिया के एक जज साहब जिनकी ऑडियो आई है उनके खिलाफ तो अब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इस पे बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेके इस मामले को हल करना चाहिए। आपके सामने एक आज ऑडियो लीक आई, आप सारों ने सुनी होगी। जिन लोगों ने ये ऑडियो टेप की है उनको कहें, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई शर्म करो, कोई हया करो। तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है, पाकिस्तान को तुमने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टेप किया है और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है मैंने अपने वकला को कह दिया है, मेरी पिटीशन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पिटीशन कर रही हूँ जो इन्होंने हरकत की है। यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। यास्मीन राशिद का कहना है कि हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दूंगी और ये ऑडियो लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए, अपनी प्राइवेसी में मुदाखलत के खिलाफ अदालत जा रही हूँ। जेल भरो तहरीक से कबल कप्तान की गिरफ्तारी का खदशा, इंसाफ टाइगर फोर्स कप्तान की सिक्योरिटी के लिए मौजूद। जमान पार्क के बाहर पार्टी तरानों की गूंज, कारकुन कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तार नहीं होने देंगे। पीटीआई की अकरबा परवरी का एक और बाब बंद हो गया। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के अजीज अमीर तैमूर ओहदे से फारिग, अमीर तैमूर बतौर डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब तैनात थे। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की वजीर आला मौसिन नकवी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची हमले के शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। आईजी जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान का एहसान इकदाम, पंजाब की जेलों में सजाए मौत के कैदियों को पीसीओ की सहूलत मयसर होगी। सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फोन बूथ कायम। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन के लिए अहम इकदाम, मुलाजमीन की सजाओं के खात्मे के लिए सर्टिफिकेट सिस्टम बहाल कर दिया। अहलकार बेहतरीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट पर सजा खारिज करा सकेंगे, एक CC1 सर्टिफिकेट से दो मेजर सजाएं खारिज हो जाएंगी। शाहदरा चौक पर मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर का आगाज, शाहदरा चौक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद, ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर, शहरियों को मुतबादिल रास्तों पर भी मुश्किलात का सामना। कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबा, अंडरपास में कंक्रीट राफ्टिंग का काम जारी। पीबीटी पंजाब कहते हैं अंडरपास को PSL मैच से कबल फाल कर दिया जाएगा। MD वासा का गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का फैसला। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास, हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया, कहा कि टास्क फोर्स सरप्राइज जांच पड़ताल के बाद MD वासा को रिपोर्ट देगी। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी, इलेक्शन बायोमेट्रिक पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज न मिलने पर मुलतवी हुए। सदारती उम्मीदवारों का पाकिस्तान बार और पंजाब बार पर एतमाद का इजहार, इससे कबल होने वाले इंतखाबात मुतनासा हो गए थे। भारतीयों के लिए अच्छी खबर, PHA का शहर में जश्न बहारा मनाने का फैसला। जश्न बहारा 5 से 12 मार्च तक 13 मकामात पर मनाया जाएगा। शहर की आम शाहराओं को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा, 13 रंगारंग प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। हमारे माँ बाप के पास पैसा वैसा तो होता नहीं था दादा, तो जो चीज आपके पास नहीं हो आप कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, वरना जिएंगे कैसे आप। तो उन्होंने हमें बचपन में ये बताया था, कम से कम मुझे तो बचपन में बताया, पैसा कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है। बाद में मुझे मालूम हुआ है बात ठीक नहीं है। अलहमरा में फैज मेले की रौनक उरूज पर आलमी शोहरत याफ्ता अदीब शायर और अदाकार जावेद अख्तर के फैशन जादू नामा में शिरका की खसूसी दिलचस्पी,
मुख्तलिफ कुतुब के स्टॉल्स और फूड कोर्ट पर रश लगा रहा। गुलकार शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। दरबार हजरत शेर शाह वली रहमतुल्लाह का 558वां उर्स मुबारक। रस्म चादर पोशी से उर्स की तकरीबात का आगाज हुआ। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की शिरकत, जायरीन की जौक दर जौक आमद, दुरूद व सलाम के नजराने। सरे लामकां से तलब हुई, तुए मुंतहा वो चले नबी। शबे मेराज पर मसाजिद और घरों में चिराग़ा महाफिल और इबादत का अहतमाम। उलमाए कराम का आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान, फरजंदान इस्लाम की दुआएं और मनाजात।